आपके साथ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के केशवान और आसपास के इलाकों के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने सोमवार सुबह सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया है। रविवार को यहां 3-4 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना ने सर्चिंग की तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। गोलीबारी 4 घंटे से ज्यादा समय तक चली थी। जवाबी कार्रवाई के दौरान पैरा स्पेशल फोर्स के 4 जवान घायल हुए थे। इलाज के दौरान नायब सूबेदार राकेश कुमार की मौत हो गई थी। सेना के मुताबिक केशवान जंगल में छिपे आतंकी कश्मीर टाइगर्स ग्रुप के हैं। इन लोगों ने ही 7 नवंबर को 2 विलेज गार्ड की हत्या की थी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पिछले 2 दिन में 3 मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने नवंबर महीने के 10 दिन में 8 आतंकी मार गिराए हैं। सोपोर में 8 नवंबर को 2 आतंकी और 9 नवंबर को 1 आतंकी मार गिराया था। इन इलाकों में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। केशवान के जंगलों में 3-4 आतंकियों के छिपे होने की खबर पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। मुठभेड़ के दौरान 2nd पैरा SF के जवान नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हो गए। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।